शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नियति नहीं आ रहा पापा, ये सब आप लोग क्यों कर रहे हैं? क्यों एक अजनबी की अस्थियां आप घर ले आए? क्यों अपने आंसू बहा रहे हैं किसी अनजान के लिए? पापा मेरा विश्वास कीजिए, अंबर जिंदा है, प्लीज मेरा विश्वास करिए। अंबर की खातिर आएंगे वो वापस पापा, और वापस आकर उन्हें ये सब पता चलेगा तो कैसा लगेगा उन्हें? कितना बुरा लगेगा पापा, सोचिए। कैसे समझाऊं पापा आपको? समझने की जरूरत तुम्हें है बेटा, जो चला गया है उसकी आस में जो तुम सदमों का पहाड़ बनाकर बैठी हो ना बेटा, जिस दिन वो पहाड़ टूट गया तो तू कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? हम तो बेटा जो शास्त्रीय सच है उसको निभा रहे हैं। अगर हम अंबर का अंतिम संस्कार विधिवत नहीं करेंगे तो उसकी आत्मा भटकेगी, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी बेटा। तुम्हारा भ्रम पूरा करने के लिए हम अंबर की आत्मा को अशांत तो नहीं कर सकते ना? मुझे सच में समझ नहीं आ रहा पापा, मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं, कैसे यकीन दिलाऊं? अब कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज पापा बंद कीजिए सब, अंबर की खातिर बंद कीजिए। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता पापा। लेकिन जो दिखाई नहीं देता वो भी हमेशा सच हो, ये जरूरी तो नहीं है ना छोटी? एक बाप के कंधे पर अपने बेटे की अर्थी का बोझ दुनिया का सबसे बड़ा बोझ होता है। पुत्र शोके महाशोके, मैं अपने बेटे की अर्थी को लेकर शमशान गया था और जो सच है वो सच है, उसे कोई नहीं बदल सकता, ना तुम्हारा भ्रम और ना भगवान। झूठ है पापा, ये झूठ है। मैं नहीं मानती ये सब, क्योंकि मेरा मन ये सब मानने को तैयार नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ होता ना तो मुझे पहले ही आभास हो गया होता कि मेरे अंबर को कुछ हुआ है, पर नहीं पापा, मुझे अभी तक ऐसा कुछ आभास नहीं हुआ, क्योंकि मेरे अंबर ठीक है, उन्हें कुछ हुआ ही नहीं है। मैंने सबको समझाने की कोशिश की, अंबर जिंदा है,
और एक आप लोग हैं जो पता नहीं किसे अपना बेटा समझकर ये सब करे जा रहे हैं। एक जिंदा इंसान के नाम पर आप ये सब कर रहे हैं पापा। आपको क्या लगता है ये सब सही है? मुझे नहीं लगता। गलत है ये, गलत पापा। और जब अंबर वापस आएंगे, जब उन्हें सब पता चलेगा तो सोचिए क्या बीतेगी उन पर। बेटा देरना इन अस्थियों को कल नासिक में विसर्जन करना होगा। पता नहीं मेरी छोटी कब तक इस भरम में जिएगी और कब तक जिएगी। सब कहते हैं कि तुम वापस नहीं आओगे, पर मुझे अभी भी लगता है कि जैसे तुम मेरे कहीं आसपास, पापा मम्मी जी भैया दीदी कोई मेरी बात नहीं मानता। अंबर पता नहीं घर में सबको क्या हो गया, पहले तो ये लोग तुम्हारे नाम पर न जाने किसको ले आए, फिर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। और आज पता है क्या किया पापा ने? उसकी अस्थियां घर ले आए। अब तुम्हारे नाम पर उन्हें विसर्जित भी कर देंगे, फिर यही कोशिश की जाएगी कि नियति अब उम्मीद छोड़ दो, अंबर अब कभी वापस नहीं आएगा। मैं क्या करूं, अब नहीं सहा जा रहा है अंबर। मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम्हारे लिए मेरे बगैर 3 दिन रहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि जब मैं वापस आऊंगा उसके बाद हम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेंगे। तुम और मैं बस एक दूसरे के लिए ही जिएंगे। तुम्हारे साथ नए सिरे से जिंदगी शुरू करनी है अंबर, इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। प्लीज आ जाओ। Please.
आओ बेटा। जी वो ऐसे मौके पर मुझे कुछ बोलना तो नहीं चाहिए। पूछो तो सही। आपके छोटे बेटे के साथ हुआ क्या था? बेटा वो अपने ऑफिस की तरफ से 3 दिन के लिए बेंगलोर गया था। बेंगलोर में पहुंचने के बाद नंबर के जाने का दुख हमारी छोटी के लिए इतना भारी है कि वो सच का सामना करना तो दूर, उसे मानने को भी तैयार नहीं। इसीलिए इस भ्रम में मुझे नहीं लगता कि आपकी छोटी बहू किसी सच्चाई से भाग रही है या उसे कोई भ्रम हुआ है। अगर वो इतने यकीन के साथ कह रही है कि उनके हस्बैंड जिंदा है तो उनके इस यकीन के पीछे कोई ना कोई ठोस वजह जरूर होगी। एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है। नियति जी, नियति जी, नियति जी, इस वक्त कहाँ गई नियति? के बिना तो मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। चला गया है उसकी आस में जो तुम सदमों का पहाड़ बनाकर बैठी हो ना बेटा, जिस दिन वो पहाड़ टूट गया तो तू कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? मैंने सबको समझाने की कोशिश की, अंबर जिंदा है और एक आप लोग हैं जो पता नहीं किसे अपना बेटा समझकर ये सब करे जा रहे हैं। अगर हम अंबर का अंतिम संस्कार विधिवत नहीं करेंगे तो उसकी आत्मा भटकेगी। मेरे अंबर को भेज दो चल पिता के घर, पति के घर तक नियति। तुम्हारी ये विश आकाश से टूटता तारा नहीं बल्कि खुद आकाश पूरी करेगा डियर, लेकिन थोड़े से ट्विस्ट के साथ। क्या करें, सारी गलती भगवान की है। पता नहीं वो किसी किसी के हाथ में सुख की लकीरें डालना भूल क्यों जाता है।
चलो। कुछ नहीं कहूंगी आज, आप जाइए, नहीं रुकूंगी। पर जब अंबर वापस आ जाएंगे तब तो आपको मेरे विश्वास पर यकीन हो जाएगा ना पापा। डैड, मैं भी साथ चलूं अगर आपको कोई एतराज ना हो। तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? ये दोनों चल रहे हैं ना मेरे साथ। प्लीज अलाउ मी डैड, मुझे पहली बार किसी की आत्मा की शांति के लिए प्रे करने का मौका मिल रहा है। मैं इसे गंवाना नहीं चाहता, प्लीज। ठीक है बेटा। जाने किसकी अस्थियां नासिक तक प्रवाहित करने गए पापा। भगवान ही जाने उस अभागे के घर वालों पर क्या बीत रही होगी। बहुत अजीब बात है ना, मौत हुई तो किसी और के घर की है और मातम मना रहे हम लोग।